करुण रस से ओतप्रोत आप ये कथा श्रवण करने जा रहे हैं। महाभारत के अंतर्गत ये कथा एक समय राजा नल अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेलकर धृत क्रीड़ा में सब कुछ हार जाते हैं। यहां तक कि एक वस्त्र केवल राजा नल की सती प्रदा पत्नी दमयंती की एक साड़ी, उस एक साड़ी को दोनों अपने तन पर लपेटते हैं। आदेश दिया जाता है कि आप बियाबान जंगल में रहोगे। राजा नल समझाते हैं अपनी पत्नी दमयंती को कि तुम्हारे पिता भी चक्रवर्ती सम्राट है, अपने पिता के यहां जाओ। मेरी करनी का जो फल मुझे मिला है वो मुझे भोगने दो, लेकिन पतिव्रता होने के कारण अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, जंगल में अपने पति के साथ जाती है। राजा नल पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। एक रात्रि 12 बजे अर्धरात्रि को राजा नल अपनी पत्नी दमयंती को छोड़कर चले जाते हैं। आंखें दमयंती की खुली उस अंधियारी रात में अपने पति को खोजती हैं और देखिए महान विलाप करती हैं। आज उस बियाबान जंगल में अपने पति को ना पाकर बार बार वो समझाने की बात को याद करती है कि शायद ये मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। देखिए क्या होता है। देखिए
आज भगवान से कहती है मुझे ये कैसा दारुण दुख दिया है, ये गमों की काली आंधी मेरी किस्मत में क्यों आई, पति के बिना मेरा जीवन शून्य है। एक पति व्रता नारी देखिए बिलख बिलख कर भगवान से कहती हैं, ये मेरे जीवन में काली घटाएं छा गई है, प्रभु आपने ऐसे क्यों किया, क्या होता क्या? हंसराज हंस की ये पॉपुलर धुन आप श्रवण करने जा रहे हैं। क्या बात, अरे ये जो काली काली वाह, अरे ये जो काली काली छाई है घटा, ओ ये जो काली काली छाई है घटा, जीवन में अंधेरा होवेगा, हे भगवान विधाता मेरे संग, विधाता मेरे संग खेलिए रचा, ओ विधाता मेरे संग खेलिए रचा, बता दे क्या ये मेरा होवेगा, वाह क्या कहा क्या? पाल साहब हरसूद वाले इनकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ, भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें। देखिए विराजन नजर करती है क्या कहती है क्या, अरे ये जो काली काली छाई है घटा, जीवन में अंधेरा होवेगा, बता दे क्या जो मेरा हो बेटा, काली काली छाई है घटा, जीवन में अंधेरा।
क्या कहती है क्या? मैंने अपने पति का साथ मुसीबत में भी नहीं छोड़ा, लेकिन है विधाता तू मुझसे रूठ गया। तुम्हारी मर्जी के बिना कोई पत्ता तक नहीं हिलता। मैं मेरे पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन ये मेरी एक भी ये खुशी तुझे रास नहीं आई। देखिए क्या कहती है क्या? ओ खुशी लास न मेरी आई, खुशी लास न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। हो मेरी किस्मत हुई पलाई, मेरी किस्मत हुई पलाई, किसी से अब क्या कहना। खुशी लास न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। खुशी रास न मेरी आई, किसी से अब जंगल में अपने पति की तलाश में दमयंती मारी मारी फिरती है। देखिए क्या होता है क्या? फौजी इनकी ओर से मंडल को प्रदान, भगवान इनके सारे मनोरथ पूर्ण करें। ये मेरे भाग में तुमने ख्याल लिख दिया। वो कर्म की गति ऐसी, थोड़ा तेज बजाओ ये मामा सो गए। ओ खुशी रास न मेरी किसी से, देखिए आगे
बढ़ती है भूख प्यास में विकल, एक अजगर दमयंती को ग्रास बना लेता है, निकलने लगता है, लेकिन एक शिकारी उसको देख लेता है। उस अजगर से शिकारी दमयंती को बचाता है, लेकिन इतना सुंदर रूप देखकर मोहित हो जाता है, चेष्टाएं करने लगता है। दमयंती समझ जाती है इरादों को, कहती है यदि मैंने मेरे जीवन काल में यदि मेरे पति के अलावा किसी पर पुरुष को सपने में भी सोचा उसके बारे में, यदि मेरा पति व्रत धर्म सत्य है तो हे विधाता ये यही भस्म हो जाए। शिकारी देखिए वही भस्म हो जाता है। ऐसी पतिव्रता नारी हमारे भारत देश में हुई, देखिए बार बार विलाप करती हुई देखिए आगे जाती है और देखिए क्या क्या कहती है। ओ विधाता ने, ओ विधाता ने मुझ पे बिताई किसी के कोई साथ ना, क्या बात किसी के कहती है या मेरे जीवन में, मेरे जीवन में आग लगाई किसी के कोई Hey!
और स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति हृदय चैनल पे। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे चैनल कैसा लगा। और हमारी ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए अपने नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन करें, जिससे आप हमारे ज़्यादा वीडियो पा सकते हैं।